दोस्तों अभी अभी अपनी छत पर आकर एक नया कबूतर बैठा है, काले खैरे में है। तो अभी फिलहाल वो यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, तो कबूतर उसको घुटक रहे, बट वो अभी फिलहाल नीचे नहीं उतर रहा। काफ़ी मुश्किल के बाद तो मैंने उसको उतारा यहाँ पे, काफ़ी दूर पे था। मुझे तो लगा ये मतलब जंगली है, क्योंकि वहीं पे उड़ रहा था, वहीं पे बैठ रहा था, अपने कबूतर को देख के भी नहीं आ रहा था। तो फिलहाल अभी वो आया है और ऊपर वाली छत पर बैठा हुआ है। फिलहाल अभी वो इधर आगे की साइड आता है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। और अपने रॉकी और उसकी फीमेल भी अभी आसपास लगी हुई है, तो अभी काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो थोड़ी देर में वो भी उतर जाएंगे। चलो दोस्तों, रॉकी अपना काफ़ी स्पीड से नीचे आ गया, अभी जस्ट दिखाया कितनी ऊपर था, अभी मेरी नज़र पड़ी ऊपर, तो काफ़ी तेज़ी से वो नीचे आया। ये देखिए, ये उतर भी गया, बहुत तेज़ी से नीचे आया, पता नहीं क्यों। अभी उसकी फीमेल फिलहाल ऊपर ही है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अभी वो भी थोड़ी देर में उतर जाएगी। बहरहाल रॉकी अपना बड़ी स्पीड से नीचे आ गया। वो नया कबूतर अभी यहीं पर बैठा हुआ है, तो आप लोग को ज़रा सा एक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपने कबूतरों में से नहीं है, ये काले खैरे में वो अभी आया हुआ है। तो जैसे उतरता नीचे, इंशाल्लाह आप लोग से शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक नया कबूतर अपने फीमेल के साथ लगा हुआ है। ये देखिए, लाल रंग लगा हुआ है इसको दोनों पट्टी पे। तो देखते हैं ये भी उतरता नहीं उतरता, जैसा होता है आप लोग से दिखाता हूँ। फिलहाल कबूतर वाला कट के सीधा निकल गया, तो नहीं आने वाला, वो तो चला गया। बाकी अपने जो खैरा यहाँ पे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह दुआ करें वो भी उतर जाए, तो मज़ा आ जाएगी। दोस्तों यार, ये खैरा बहुत ज़्यादा ही ढीठ और सब्रदार कबूतर है, और चालाक भी, क्योंकि यहाँ पे दाने मैंने दे रखे हैं, पानी दे रखा है, और कबूतर भी सारे घूम रहे। वो अकेला अकेला ऊपर बैठा हुआ है, बट उतर नहीं रहा, इतनी ज़्यादा चालाकी। तो पता नहीं कब उतरेगा कब नहीं उतरेगा, देखते हैं और जैसा होता दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, कबूतर यहाँ पे देखिए आ चुका है, और इसको कोशिश करते हैं केज में ले जाने की, क्योंकि बाहर तो मैं पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बाहर पकड़ने। तो कोशिश करते हैं ये केज में जाए, उसके बाद आसानी से ताकि इसको पकड़ सकते हैं हम लोग। चलो 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 चलो। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों केज में आसानी से ये चला गया। ये देखिए दोस्तों, जो नया कबूतर पकड़ा माशाल्लाह, तो इसको भी फिलहाल बंद कर देते। यही कबूतर हम लोगों ने पकड़ रखा है, और फिलहाल आप लोग को इसका शौक कराते हैं। ये देखिए, इसकी आँख है सफ़ेद आग, और लाल थोड़ा छोड़ा हुआ है, जैसे ये इसके कुंदे हैं, और ये अपना नया पखला रहा है, और जहाँ भी था ये कोई बना रहा था जिसके यहाँ भी था। प्लस ये इसकी दुम है, तो दुम कुछ उखड़ी हुई है दुम। प्लस ये इसके पंजे हैं, जामुनी पंजे काले नाखून पे। प्लस अपना ये पैर मुच्छे में है। तो आइए फटाफट से इसका पर बांध देते हैं, उसके बाद छोड़ के इसका रिएक्शन देखते हैं। बांधो ज़्यादा बांधो, ताकि दीवार वीवाल पर नहीं चढ़ पाए ना। अभी दो चार दिन पाँच दिन बाद दीवार पर चढ़ा, तो इतनी दिक्कत नहीं है। बस बस बस, रुक जाइए, अल्ले भी ले लो नीचे। तो दोस्तों इसको छोड़ के इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ये सीधे केज में चला गया। फिलहाल कदकाठी से तो ये फीमेल लग रहा है, बाकी देखते हैं फीमेल निकलती है या मेल निकलता है, तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी तो नया है, तो कोई रिस्पांस नहीं देगा, रिस्पांस नहीं देगा। तो देखते हैं इसको कैसा नर निकलता है या फिर मादा निकलती है, तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी यहीं पे घूम रही है, और सारे अपने कबूतर, कई न्यू कबूतर को देखते हैं ना, तो ऐसे ही जो पीछे लग जाते हैं। तो दोस्तों, एक कबूतर हम लोग ने कल पकड़ा था बेदाग, और एक कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह से आज पकड़ा खैरे में, तो ये भी अच्छी बात है। और
और भी कई कबूतर आ रहे हैं, तो इसकी मतलब ये जल्दी उतर नहीं रहा था नीचे, तो जिसकी वजह से वो सब भी चले गए बैलहाट। अगर ये नीचे जल्दी उतर जाता तो वो लोग भी आसानी से उतर सकते थे बड़ी मारने पे। बहरहाल ये लोग उतरे नहीं, ये उतरा नहीं तो वो लोग भी नहीं उतर पाए, चले गए। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, और काफ़ी अच्छा कबूतर पकड़ा। तो कैसा कबूतर आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।